खोराबार थाना क्षेत्र की एक महिला ने अपने पति और पति के दोस्त पर मारपीट करने, दहेज के लिए प्रताड़ित करने व रेप करने का वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी दिए जाने का आरोप लगाया है, जिस पर महिला एडीजी जोन अखिल कुमार के पास पहुंची। एडीजी जोन ने खोराबार थाने को निर्देश दिया कि पति और उसके दोस्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, जिसके बाद खोराबार थाने में पति और उसके दोस्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि खोराबार क्षेत्र निवासी पति राजकुमार, उसके दोस्त बांसगांव थाना क्षेत्र निवासी विक्की उर्फ लक्की के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है, जिसके संबंध में एसपीसीडी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि खोराबार थाना क्षेत्र की जंगल चवरी निवासी एक महिला ने खोराबार पुलिस को तहरीर दी कि उसका पति बीते 6 माह से आए दिन शराब के नशे में अपने दोस्त के साथ घर आता है, पति बगैर सहमति के उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, साथ ही अपने दोस्त के साथ भी शारीरिक संबंध बनवाता है, विरोध करने पर उसकी पिटाई की जाती है, इतना ही नहीं वह जान से मारने और घर से निकालने की भी धमकी देता है और दहेज के लिए प्रताड़ित भी करता है। इस मामले में गांव में पंचायत हुई थी, लेकिन उसके अंदर कोई सुधार नहीं आया। बीते 6 जून को पति अपने दोस्त विक्की के साथ घर पर आया और मारपीट कर दोनों ने बारी बारी से जबरदस्ती दुष्कर्म किया और वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने लगा, जिसके बाद महिला एडीजी महोदय के पास पहुंची, जिनके निर्देश पर पति और उसके दोस्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपीसीडी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर में कल शाम के समय एडीजी महोदय द्वारा सभी लोगों की समस्याओं के निस्तारण के लिए एक मीटिंग बुलाई गई थी। उस मीटिंग में एक महिला प्रस्तुत हुई, उसने बताया कि उसके साथ में उसके पति के दोस्त द्वारा रेप किया गया एवं वीडियो बनाया गया। इस तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है एवं पति, पति के दोस्त एवं अन्य नामजद लोगों की गिरफ्तारी कर शीघ्र ही आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।